आखिरकार इसरो के सीक्रेट ब्रह्मास्त्र का चल ही गया पता, हो गया बड़ा खुलासा, चांद पर कैसे सफल होगा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 पर मंडराया बड़ा खतरा, पीछे पड़ा चीन, हाई अलर्ट पर इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को बचाने में लगे। रास्ते में उन्होंने बताया कोई सुई भी आई तो कैसे वो रास्ता बदल लेगा। अब चंद्रयान 3 दहाड़ते हुए धरती से अधिकतम 1,27,609 किलोमीटर दूरी वाले और 236 किलोमीटर नज़दीक वाले ऑर्बिट में पहुंच चुका है। तो वैज्ञानिक लोग अलर्ट हैं और अब वो लोग उसको अर्थ बॉन्ड मैनुअल से मून बॉन्ड मैनुअल में लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी के थ्रू डालेंगे। तो इसको इसरो ने बताया और वो लोग बहुत अलर्ट हैं, परंतु रास्ते में किस तरह की समस्या आएंगी उसे चंद्रमा की सतह तक पहुंचने में, तो हम उनके बारे में बताने वाले हैं। चंद्रयान 3 की तीसरी ऑर्बिट मैनुवरिंग 18 जुलाई 2023 को दोपहर में सफलतापूर्वक की गई। पहले चंद्रयान 2022 41,604 किलोमीटर की अंडाकार ऑर्बिट में था, अब 2028 51,400 किलोमीटर की ऑर्बिट में घूम रहा है। ये जितना आसान लगता उतना नहीं है। चंद्रयान 3 को कई तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो चलते हैं हम लोग उसको देखते हैं। आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी समस्या है जो चंद्रयान 3 इस समय जूझ रहा है या फिर आगे जूझेगा। पहले दिक्कत, कोई भी सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट तेज़ी से ग्रेविटी के खिलाफ जाना चाहता है। ग्रेविटी उसे रोकती है और सैटेलाइट को धरती की ग्रेविटी से बचने के लिए कम से कम 40,233 किलोमीटर प्रति घंटा की गति बनानी पड़ती है। दूसरी दिक्कत है धरती के वायुमंडल और मैग्नेटिक फील्ड वाले सुरक्षा कवच से बाहर अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से चलते हैं सब एटॉमिक कण, जिसे रेडिएशन कहते हैं। एक कण जब सैटेलाइट से टकराता है तब वो टूटता है और इससे निकलने वाले कण सेकेंडरी रेडिएशन पैदा करते हैं। इससे सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट के शरीर पर असर पड़ता है। तीसरी समस्या, हमारा तारा यानी सूरज कभी शांत नहीं रहता, इस समय तो ज़्यादा ही आग बल रहा है। इससे निकलने वाले चाइल्ड पार्टिकल्स सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट को ख़त्म कर सकते। तेज जियोमेट्रिक्स तूफान से यानी सौर तूफान से सैटेलाइट का यंत्र खराब हो सकता है या वो फट सकता है। सैटेलाइट पर सुरक्षा के लिए कवर लगा रहता है, लेकिन सूरज से निकलने वाले तीव्र चाइल्ड पार्टिकल कवच को खराब कर सकते हैं, तो इसके लिए बहुत ही सावधान उन्हें रहना पड़ेगा। चौथी बात है अंतरिक्ष की धूल यानी स्पेस डस्ट, इन्हें कॉस्मिक डस्ट भी बोलते हैं। ये स्पेसक्राफ्ट से टकराने के बाद प्लाज्मा में बदल जाते हैं। ऐसा तेज गति और टक्कर की वजह से होता है। इसकी वजह से अंतरिक्ष यान खराब भी हो सकता है या फिर आंशिक रूप से काम करना बंद कर सकता है, जो बहुत ही डेंजरस होगा। पांचवी प्रॉब्लम, टक्कर किसी भी इंसानी सैटेलाइट या फिर उल्का पिंड या अंतरिक्ष के पत्थरों से टक्कर। पिछले कुछ सालों से धरती के चारों तरफ सैटेलाइट की संख्या बढ़ गई है, खास तौर से वे सैटेलाइट जो अब निष्क्रिय हैं, लेकिन अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों तरफ तेज गति से चक्कर लगा रही है। इससे चंद्रयान 3 को खतरा है और साल 2009 में इरिडियम सैटेलाइट के ऐसे ही एक अंतरिक्ष के कचरे से हुई टक्कर ने बर्बाद कर दिया था सैटेलाइट को। छठी दिक्कत है गलत ऑर्बिट में जाना। अगर सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट या चंद्रयान 3 किसी तरह से गलत ऑर्बिट में चला जाए तो उसे सही करने में काफ़ी समय, क्षमता और ताकत लगती है। ऐसा करते समय मिशन के पूरे टाइम टेबल और लागत पर असर पड़ता है। ईंधन कम हो जाता है, ऐसे में मिशन जल्दी ख़त्म हो जाता है। अगर पकड़ में नहीं आया तो अंतरिक्ष में लापता हो जाता और फिर उसको फिर वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो उस ऑर्बिट में फिर नहीं आ पाता है। सातवीं समस्या, चंद्रयान 3 इतनी लंबी यात्रा के दौरान तेज गति घटाता बढ़ाता तापमान रेडिएशन ये सब यान के अंदरूनी हिस्से पर असर डाल सकता है। पेलोडस यंत्र खराब हो सकते हैं जिससे उसका धरती से संपर्क टूट सकता है और कोई एक या कई हिस्से का काम करना बंद कर सकता है, जो बहुत ही चंद्रयान 3 के लिए डेंजरस है।
आठवीं बाधा धरती के वायुमंडल के ऊपर जाते ही तापमान मुंह के बल गिरता है। दिन में तापमान 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा सकता है और वहीं रात में पारा -100 डिग्री के नीचे जा सकता है। अगर चंद्रयान 3 या अन्य सैटेलाइट का शरीर इतने वेरिएशन वाले तापमान को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो खराब हो सकता है। तो ये सब बाधाएँ आने की संभावना है और बहुत ही क्रिटिकल वर्क चल रहेगा और ज़रा सी चूक से वो दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा जो बहुत ख़तरनाक है। आशा करते हैं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल रतन अग्रवाल IT इन्फॉर्मर को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे सोशल मीडिया लिंक्स जो डिस्क्रिप्शन में, उनको फॉलो करिएगा और प्रेस बेल ज़रूर दबाइएगा जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।